Welcome to the second chapter lecture of the PHP series. यहाँ पर हम देखेंगे कि PHP की क्या डेफिनेशन है. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर. ये एक लैंग्वेज है जिसमें कि हाइपर टेक्स्ट का यूज़ होता है. हमने देखा है प्लस वन में HTML में कि हाइपर टेक्स्ट जो है वो वेबसाइट्स में काम आता है और टैग्स HTML में यूज़ होते हैं. इट इज़ सर्वर साइड लैंग्वेज. इसका मतलब है कि हमारे पास दो टाइप की लैंग्वेजेस हैं. नीचे आप इमेज में देख भी रहे होंगे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है. तो कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो क्लाइंट साइड पर चलती हैं और कुछ सर्वर साइड पर चलती हैं. जैसे कि हम लोग ब्राउज़र कोई खोलते हैं तो उसमें हम URL जो है वो एंटर करते हैं. जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये मेरा ब्राउज़र है. इसमें जैसे अगर मैंने ये फेसबुक खोली है, ये वाला जो एरिया है ये URL के लिए है. और जैसे ही मैं इसमें URL एंटर करता हूँ तो ये एक रिक्वेस्ट भेज रहा है. रिफ्रेश करता हूँ, थ्रू इंटरनेट ये रिक्वेस्ट सर्वर पर जा रही है और वहाँ से HTML जो है वो वापस हमारे पास आ रही है. HTML जो है वो हर वेब पेज का बेस है. हम लोग यहाँ से इसका सोर्स भी देख सकते हैं. ये इसमें ये कोड है, आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा कोड है. ये सर्वर से हमें वापस आया है. तो ब्राउज़र आपको पता ही है कि ब्राउज़र जो कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और भी बहुत से हैं. तो यहाँ पर हमारी जो PHP है वो सर्वर साइड पर चलेगी. मींस हम अपने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजेंगे और सर्वर उसको एग्जीक्यूट करके हमें JavaScript ऑब्जेक्ट नोटेशन रिस्पॉन्स भेजेगा. हम गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, HTTP गेट रिक्वेस्ट, कि हमें इस जो भी क्लाइंट के ऊपर हमने URL डाला है उसका हमें रिस्पॉन्स चाहिए. इट रन्स ऑन सर्वर साइड इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. इसके बाद हम अगले स्टेप पर चलते हैं. PHP इज HTML एम्बेडेड वेब स्क्रिप्ट. PHP का जो कोड है वो HTML में एम्बेड होता है और उसके लिए हम लोग टैग स्पेसिफाई करते हैं. इट कैन बी इंसर्टेड इन टू HTML ऑफ ए वेब पेज. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट HTML. दीज आर HTML टैग्स. देर आर टैग्स लाइक HTML हेड स्क्रिप्ट. नाउ दिस इज द प्लेस वेयर वी विल इंसर्ट अवर जावास्क्रिप्ट कोड, राइट? स्क्रिप्ट कोड हेयर. वो हम देखेंगे कि कैसे कोड लिखना है. ये DK जो है ये टाइपिंग एरर है. सिर्फ टाइप इक्वल टू टेक्स्ट / जावास्क्रिप्ट और डबल कोटेशन में इसको क्लोज करना है. हेड टैग को क्लोज किया, उसके बाद बॉडी जो है डॉक्यूमेंट की बॉडी, ये देख सकते हैं आप, सिंगुलर टैग नहीं है, ये पेयर टैग है. पेयर टैग मीन्स जिस टैग का कंपेनियन टैग भी साथ में होता है. जैसे कि HTML है, इस ये शुरू की HTML है और ये एंड की HTML है. तो ये क्लियर हमें हो गया है कि हमने कोड कहाँ पर लिखना है. आप हेड में लिख सकते हो कोड, हेड टैग के अंदर, बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं हम लोग. नेक्स्ट, PHP पेज इज सेव्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ .php आफ्टर राइटिंग अबव मेंशनड कोड इन टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, ड्रीम व्यूअर एटसेट्रा. तो आपको पता ही है जैसे हम HTML का कोड सेव करते थे एक टेक्स्ट एडिटर में लिखकर, तो हम उसको सेव करते थे जैसे abc.html करके. लेकिन अब जो हम कोड सेव करेंगे वो .php करके करेंगे. PHP इज ओपन सोर्स कंप्यूटर लैंग्वेज.
which means we can update the source code as per our requirement. Open source computer language है, means हमारे पास इसका source available होता है और हम उसको amend कर सकते हैं अपनी requirement के हिसाब से. अब हम देखेंगे कि PHP में कौन कौन सी applications जो हैं वो बनी हुई हैं. जैसे Facebook इसका एक बहुत बड़ा project है, इसका backend जो है, जो developing के लिए language use करी गई है Facebook को, वो PHP है. और ये सोशल नेटवर्किंग साइट भी है, आपके सिलेबस में भी है, और ये आज के करंट सिनेरियो में हमारे लिए बहुत जानकारी का सोर्स भी है. याहू इसकी अनदर एप्लीकेशन है, yahoo.com करके. सर्च इंजन बेस्ड ऑन पीएचपी इज़ याहू. सर्च इंजन जो है, वहाँ पर हम लोग अपना जो कंटेंट है उसको सर्च करते हैं, रिलेटेड टू एजुकेशन हो या जो भी अलग बात हो. विकिपीडिया है, द पॉपुलर इन्फो रिसोर्स पार्टी यूजेस पीएचपी फंक्शनैलिटी. तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं. मिलते हैं अगले लेसन में.